इन दिनों आर्म्स के साथ रील्स बनाने एवं डीपी लगाने का प्रचलन चल चुका है और अधिकतर युवा इसका शिकार होते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान लालगंज थाना क्षेत्र के पंचदमिया निवासी रामनाथ महतो के पुत्र अविनाश कुमार तथा दया शंकर प्रसाद के पुत्र राजा महतो पिस्तौल जैसा दिखने वाला हथियार लहराते हुए एक रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जिसके बाद वैशाली पुलिस के वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर रील्स डालने वाले युवक को धर दबोचा गया, जहां जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि पिस्टल जैसा दिखने वाला हथियार दरअसल में प्लास्टिक का खिलौना वाला पिस्टल था, जिसके बाद लालगंज पुलिस ने दोनों युवक को आगे से ऐसी गलती न दोहराने की हिदायत देते हुए पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया। वहीं लालगंज थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने लालगंज थाना क्षेत्र के निवासी सभी लोगों से अपील किया कि कोई भी अवैध हथियार या हथियार जैसा दिखने वाला खिलौना आदि के साथ रील्स या फोटो बनाकर सोशल मीडिया आदि पर न डाले। अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आपके आसपास कहीं भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा आर्म्स या आर्म्स जैसा दिखने वाला हथियार के साथ तस्वीर ली जाती है या वीडियो बनाया जाता है या उसके बलबूते डराया धमकाया जाता है तो उन लोगों के बारे में लालगंज थाना अध्यक्ष के सरकारी मोबाइल नंबर पर सूचना दें।